गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल, हमने यहाँ पे बैठ के रेडी हो जाते हैं क्योंकि कभी खड़े होकर उधर होना होता है, बैठ के इधर होना होता है। और मेरे को क्या चाहिए कि हमारे ना एक हमसे नाराज होकर यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने बना ली। ये देखिए यहाँ पे ससुरा बैठा हुआ था, मैंने कहा चल गाड़ी में, यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? कह रहा कि मेरे को लेके नहीं जाते आप। मैंने कहा चलो आज ले चलते हैं आपको। गुड मॉर्निंग मम्मी। और क्या हाल चाल, क्या खाना बनाया? और टाइम हो चुका है सुबह के 10:02 हुए अभी, जस्ट खाने को तो बनाया और मैंने शॉवर लिया। और मेरे को आज जल्दी निकलना क्योंकि 1, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट काम है। एक फ्रेंड से मिलना है, दूसरे फ्रेंड से मिलना है, एक नई जगह पे भी जाना है, शायद मे भी इस ब्लॉग में दिखा दे, और एक हमें अपने किसी से मिलना है। और क्या काम है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, एडवोकेट वगैरह से नहीं मिलना, किसी और से मिलना है क्योंकि हमारी कुछ एक फ्यूचर प्लानिंग है। तो जल्दी आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगी नेक्स्ट मंथ लास्ट में, जुलाई में है ना, तो उसके लिए आपको ब्लॉक में बने रहना होगा। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल खाना वगैरह खाते हैं और पैसे जरूर ले लेने चाहिए मैंने रखे हुए यहाँ पे पैसे, क्योंकि ये नहीं तो कुछ नहीं। और ये सब उधार शुदार हमने मम्मी से लिया हुआ है क्योंकि हमारी जेबें तो खाली हो चुकी है। और पैसे कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, सैलरी आती कब है और जाती उससे पहले है, क्योंकि पहले ही वो लगी हुई होती है। सभी के घरों में ऐसा ही होता है ना, जो अकेला बंदा होता है उसको मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो ऐसे ही होता है। फिलहाल शूज़ वगैरह पहन लेते हैं और हमने भगवान से माथा भी पहले ही टेक लिया। और आप लोग बोलते थे ना जब आप शूज़ पहनते हो तो बोलिए कि इतनी तो कॉमन सेंस हमें है, और बहुत अच्छी बात है आप हमें समझा रहे हो। तो हम कर लेते हैं भगवान के आगे, हाथ जोड़ लेते हैं हाथों के, कि हमें भी पता है कि गंदे हाथों से सही बात नहीं होती, वो भी शूज़ पहने। फिलहाल खाना खाते हैं, खाने में मुमताज हमारी और दो चपाती। मुमताज की बात करें तो रात में तो ये खट्टी मीठी लगी, अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद नहीं, थोड़ी सी खाई फिर उसके बाद ना पता नहीं अजीब सा, जो आप रोटीन में खाना खाते हो ना चीज़ के आइटम, बटर टिक्का मसाला या फिर राई पनीर या वगैरह, ये अच्छी होती है। जो नई नई आइटमें मिल जाती हैं ना, नई नई चीज़ें, ये बस देखने में ही नेम अच्छे लगते हैं लेकिन खाने में अच्छे नहीं होते। तो हमने रात एक्सपीरियंस किया, थोड़ा सा एक चम्मच तो अच्छा लगा लेकिन उसके बाद 2-3 और ज़्यादा बाइट की तो अच्छा नहीं लगा। तो फिलहाल मैं खा रहा हूँ, क्या के खाने को वेस्ट तो नहीं करना, जैसे तैसे करके खा लेंगे क्योंकि इसकी कदर करनी चाहिए। और सही है, मुमताज ठीक ठाक है। यस गाइस, अभी देखो धूप में चमक रहा है ना। वो सुबह 8 बजे ही ना इतनी गर्मी हो जाती है ना कि पूछो मत। गर्मी में अपना खास ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, ठंडे ठंडे मोटे कपड़े मत पहनिए। मैंने भी टी शर्ट पहना हुआ, पता नहीं कहाँ छिपा हुआ था ये टी शर्ट। और बहुत से लोगों ने बोला कि ये अच्छा लगता है आपके ऊपर, और मेरे हेयर की कटिंग भी करवाने वाली होगी जिसलिए हम थोड़े से बद्दे लग रहे होंगे, बट जैसे भी है सही है। ये हैंकी सिद्धार्थ का है, मैंने अपनी पॉकेट में रखा हुआ था जितने दिन गाड़ी थी, अभी पॉकेट में मतलब कि ऐसे था, मैंने कहा जब गाड़ी में रख देता हूँ क्योंकि पहले भी ये यहीं पे था, आज फिर से गाड़ी में रख दी इसको। तो फिलहाल मैं घर पहुँच चुका हूँ, और अच्छा हुआ मम्मी ने सब्जी वगैरह ले ली, नहीं तो मेरे को ये था मार्केट से लेके आनी थी। क्या क्या ले लिया, आलू, ये क्या है इसमें, मटर, टमाटर, ओ टिंडे कौन खाते हैं, तोरी भी ले ली, नींबू भी, चलो नींबू, अरे टिंडे है यार, टिंडे कौन खाता है, और ये वाटरमेलन भी लिया, वाटरमेलन सही है ना, छोटा सा है ना, ले सीजन का फ्रूट अच्छा होता है। और मेरे को एक काम और था, मेरे को ट्रैक करना था पार्सल कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं, आ जाओ अंदर बैठ जाओ। मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम थे तो इस पर गया था मार्केट में, तो हो गया है। और हमारी कुछ प्लानिंग हो रही है फ्यूचर वाली, मैं आपको बता रहा था कहीं जाना है हमने सब ने मिल के घूमने के लिए, और बस इतना बोल सकता हूँ कहाँ जाना है, बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे जाएंगे। और मैं ना अभी पासवर्ड को ट्रैक कर रहा हूँ तो 20:05 का शो कर रहा है मेरे को, तो ये अभी अम्बाला में घूम रहा है, अम्बाला से डिस्पैच हुआ है, मतलब कि सीधा नहीं जाता होता कि ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि जाना तो 2-4-5 किलोमीटर है, बट क्या है कि घूम के जाता है यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अम्बाला, अम्बाला में बैग डुआ फिर डिस्पैच हुआ, अभी रास्ते में, अभी देखते हैं क्या आज, मतलब थोड़ी देर में चेक करते हैं दोबारा 21 तारीख की डेट में अपडेट होगा ना, तो ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद देखते हैं बैड न्यूज़ आता है या गुड न्यूज़ आता है, होप गुड न्यूज़ ही आए, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा होप भी है गुड न्यूज़ की। गाइस मम्मी बोल रहे हैं कि वैष्णो देवी कब जाना है, प्लानिंग की हुई थी आप गए नहीं, देखिए गाइस गर्मियाँ हो गई, चलेंगे जल्दी है ना, थोड़ा वेट करो। और मैंने पार्सल को सेंड किया था तो थोड़ा सा उसको बीच बीच में ट्रैक करता रहा, तो 2-4 दिन पहले किया था, अभी किया अभी रास्ते में, तो होना चाहिए ना कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी क्या नहीं। नाराज हो गए, कह रहे कि पहले तुमने बोला खाटू श्याम जाएंगे, वहाँ नहीं गए, वैष्णो देवी जाना वहाँ पे नहीं गए, नहीं नहीं प्लानिंग करते रहते हो। कोई बात नहीं मम्मी, जो बोला है ना जाएंगे, बस थोड़ा बहुत कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं ना तब है,
अब देखो पटो ना, ये पटो हाँ, गलत बात है हमारी, मतलब पूरा करो, जाएंगे जल्दी जाएंगे, वेट करो ना, लाओ भगवान वेट करो, देखिए भगवान जब लाएंगे वेट करी यार, कितना होना ने देखी यार जाएंगे जाएंगे जल्दी फैमिली के, पता क्या है कंचन ने फ्री था हूँ और मैंने बोला कि फैमिली के साथ जाएंगे, ठीक है फैमिली जल्दी जल्दी, जैसे ही हम दोनों और अपना अपना देखो ना, ज्यादा टाइम होना उन्हें जाना, ज्यादा टाइम होना, चलो देखते हैं फिर भी कोई बात नहीं, हमने बोला उनको भी तो बोला है कि इकट्ठे जाएंगे फिर वो उन्हें टाइम ही नहीं होगा, कोई बात नहीं चलेंगे चलेंगे जल्दी, मम्मी की रूह है जल्दी जल्दी घूमने जाए, नहीं जल्दी नहीं मतलब मुंह हो जाएगा कटना था देखो, फिर क्या है इस मंथ बनाना भाई, इस मंथ बना लो करो सलाह फिर, तो इस मंथ तो उतर जाए ना, वो तो नेक्स्ट मंथ जाना है जून या जुलाई में, क्योंकि मेरे को अपनी हेयरिंग डेट्स भी देखनी है ना, उस हिसाब से मैनेज करना चाहता हूँ प्रोग्राम, ऐसे कर लेंगे, कब आना उसने क्या होता क्या नहीं, एक्चुअली गाइस पता क्या हुआ, ये डिले क्यों हो गया, दो दिन सैटरडे संडे था ना तो इसलिए आज मंडे है, तो आज थोड़ा सा इसमें अपडेशन मिलेगा कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं, मेरे को पार्सल की इतनी टेंशन, पूछो मत मैं बार बार थोड़ी देर बाद चेक कर रहा हूँ, तो अभी पता कहाँ पे पहुँच गया, ये बिलासपुर पहुँच चुका है अभी थोड़ी देर, 11:48 पे अपडेट हुआ, अच्छा कल हाँ आज 22 है ना, हाँ कल छुट्टी थी, कल नहीं होगा 22 को है, 21 का नहीं बताया, बिलासपुर है, बिलासपुर से डिस्पैच हो चुका है, मतलब कि ऐसे नहीं रिस्पेंड ना, तो अपने अपने मतलब कि उस पिन कोड पे पहुंचने के लिए ना अपने अपने हेड ऑफिस से होके जाएगा, यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अंबाला, अंबाला से एक मेन हब है, अंबाला के बाद सारे पार्सल चाहे कोरियर के हो चाहे पोस्ट ऑफिस के हो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने अपने पिन कोड के लिए, तो मेन मतलब कि बड़े ऑफिस पर जाएगा जो बिलासपुर रही है, उसके बाद फुल जो पिन कोड है विलेज वाइज है ना, तो वहाँ पर जाएगा पहले हेड ऑफिस, उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाएगा बिलासपुर है, तो आई थिंक ये आज शाम तक ये मतलब कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा, और या कल पहुँचेगा, कल या परसों तक, गुड और बैड न्यूज़ दोनों में से कोई एक तो मिलेगी ना, देखो दो चीज़ें होती है, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, जो भी होगा अच्छा ही होता है, दिल में दर्द तो होता है, एक आप रूह से एक अकेले अकेले चीज़ के इतने एफर्ट्स करते हो, चलिए जो भगवान का मंजूर है वही होगा है ना, और बाकी तो हम क्या ही कह सकते हैं, हम इसमें भगवान को बोलते हैं क्योंकि ये तो एक प्यार है बस, बाकी मेरे को पूरी होप है कि एक गुड न्यूज़ ही आएगी और कुछ नहीं, आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को है, जैसे ये पार्सल जा रहा है ना, जैसे जैसे जो घूमता हुआ जा रहा है, आप लोगों का दिमाग और आंखें आपकी भी घूम रही है कि कहाँ पहुँचा क्या हुआ है ना, और अच्छा कंटेंट बन गया हमारे लिए कि पार्सल ऐसे ऐसे जा रहा है, और उसी तरीके से लोगों के दिल की धड़कने भी बढ़ रही है ना कि क्या होगा पार्सल के साथ क्या नहीं है ना, सही कंटेंट बना पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पे, और दोनों को फायदा है ना और पार्सल पार्सल हो रखा है सब जगह, गाइस मैंने भेजा है तो पार्सल पार्सल तो करूँगा ही, क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा हूँ और आप लोग पूछते भी है, और आप लोगों को बताना फर्ज भी है, और जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही एक डिसेंट वे में, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सब अच्छा हो, होता है अच्छा ही होता है, और देखो सोचो समझो और अपने तक रखो, बोलने से कुछ नहीं होगा, वेट करो, और मेरे को अभी काफ़ी टाइम हो गया, 4 बजे किसी के साथ जाना है घूमने के लिए, अभी 2:45 हुए, मैं सोच रहा हूँ अपना वीडियो एडिट कर लेता हूँ बैठ के, हमारे माता जी बैठते ही नहीं, 2 मिनट भी नहीं बैठते, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, मैंने बोला कि बैठ जाओ, तो अभी फ़िलहाल खाना वगैरह ले आएँ, पहले सब्जी धोने चले गए, पता नहीं नींद नहीं आती यार, रात को सोते हैं वही 8-10 घंटे बोल रहा हूँ, वही 5-7 घंटे वही नींद है, हम तो उतनी मेहनत ही नहीं कर रहे, और ये दो है, दो क्या है 2, ये सिद्धार्थ के बर्थडे का है, ये बचा हुआ है, और बलून कहाँ गए, अच्छा उधर होंगे यार, एक ये भी पाउच भी बचा हुआ है, मैं लेके आया था ना सूट पैक करने, मतलब कि ये पता क्या था कि एक अकेली अकेली चीज़ मतलब कि अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से पैक करने की कोशिश की कि मैं भेजूँ बढ़िया तरीके से, एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो, ये तभी होता है जब बंदा रूह से करता है दिल से करता है, अब क्या उसको ठुकराया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है सिद्धार्थ की तरफ से, तो
तो उसके ऊपर ही है ना, लेकिन वो अभी छोटा है, उसको इतनी समझ नहीं है। मैं जैसा भी है बढ़िया है तो तेज अपने बाप की तरह है ना। मैंने सुनी है उसकी वीडियो आवाज़ें, भक्त वो देखा है और नटखट है, और जल्दी मिलेंगे, एफर्ट्स जारी है और मेरे को भी एक्साइटमेंट है जल्दी मिलेंगे, लेकिन मेरे को पहचानने का ही नहीं बोलना। लास्ट टाइम भी नहीं पहचाना था, 12 मई को आया नहीं था मेरे पास, कहता होगा पता नहीं कौन है ये, मस्त था वो। चलिए सही है, धीरे धीरे समझेगा है ना, और हम जब मिलेंगे उससे तो बताएंगे उसको भी, और टाइट हग करेंगे, किस भी करेंगे ज़बरदस्त वाली, और हमारे पापा भी हमें करते होते थे किस, और शरारतें करते होते थे हमारे साथ, और मैं भी वैसे करना चाहता हूँ। और मेरे को बच्चों के साथ पंगे लेना तो बहुत शौक है, बच्चों के साथ बहुत खेलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, नमन के साथ, किशु के साथ, अनवित के साथ, और जो भी मतलब कि घर में कन्नू नहीं था जो इतना बड़ा साइकिल है, वो छोटा सा होता था, मैं उसको ले आता था अपने साथ सुलाता हूँ। मेरे को बच्चों को ना अपने साथ सुलाना बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो गंजी सी टेंट होती है आपकी बॉडी के साथ अटैच करती है, कितना सुकून मिलता है आपको है ना। और चेजे मैया करवाने का, जानते हो आप चेजे मैया, ऐसे लेग से उसको लगे ऐसे झूला झूलाते हैं वो, लेकिन किस्मत आपकी आपके कहाँ से कहाँ ले जाती है आपको खुद ही नहीं पता चलता। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार इतना बुरा था मैं, मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया, शायद मेरे में बहुत गलतियाँ होगी क्योंकि इंसान को अपनी गलतियाँ खुद नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रेजेंट में ना मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं तो वो चीज़ कर रहा हूँ जो मेरा हक है, जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपने कब आपके ऊपर बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ साथ सब सही हो जाता है। ये स्टार होते होंगे, टिमटिमाते हैं ना, और हम लोग कहते हैं कि ये स्टार स्टोर ये कुछ नहीं होता है, ये ग्रो हो रहा है, यही होता है। मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता था, लेकिन अपनी लाइफ में महसूस कर रहा हूँ, और जो मैंने अपना क्या कुंडली दिखाया ज्योतिष को, हॉरोस्कोप दिखाया जैसे बोलते हैं पंडित को, तो उस इशार से जो उनकी वर्ड्स बोले हुए हैं, किसी एक से नहीं दो तीन से, वो अकेला अकेला सच होता जा रहा है मेरी लाइफ में, और बहुत कुछ आगे भी बताया हुआ कि ऐसे, लेकिन जैसे जैसे वो क्रोस होता जा रहा है मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ निकल रहा है, तो वर्ड्स मेरे को लगते हैं यार सही है, विश्वास करना चाहिए। वीडियो में बस जो छोटा सा वीडियो था, बस ये है कि जल्दी जल्दी एक गुड न्यूज़ आए या बैड न्यूज़ आए, जो भी आए सब बढ़िया होता है, कुछ ना कुछ उसमें भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा है ना, तो इसमें बुरा बनाने वाली कोई बात नहीं। ये इंसान है, इंसान के दिल है ना, ये नटखट होता है, चंचल होता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन उसको करवाने वाला भी ना भगवान ही होता है। गीता में लिखा हुआ हुआ भगवान श्री कृष्ण जी के वर्ड्स थे कि इंसान जो धरती पे कर रहा है ना, उसके जो करता धरता है ना, वो भगवान खुद ही है, इंसान को खुद ही नहीं पता चलता, वो तो हम लोग तो कठपुतली है उसकी, और समाज में दोषी बन जाते हैं, लेकिन जो उसको मंजूर है वो उसको मंजूर है ना। चलिए ये बहुत होगी आज ज्ञानी बाबा की ज्ञानी बातें, तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाबा बाबा बाबा। इस वीडियो को जल्दी से हम एडिट करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाबा। बस एक एक्साइटमेंट है जल्दी जल्दी, जो कि हम आपको जल्दी जल्दी अपडेट देंगे अच्छी वाली।